So this is video editing techniques part 3. तो पहले दो पार्ट मैंने इन शॉर्ट में बनाए थे, सो इंटरेस्ट है तो आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में हम काइन मास्टर की एडिटिंग टेक्निक सीखने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस तरह का सर्च बार एनिमेशन बनाना और ऐप में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट काइन मास्टर में इजिली कर सकते हो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लिया है। बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करने के बाद तो मैं यहाँ पे एसएस स्टोर का जो स्टोर वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी मिलेगी साइड में, उसमें से आपको चले जाना है स्टिकर में। स्टिकर में जाने के बाद ऊपर आपको सर्च बार में क्लिक करना है एंड सर्च करना है पॉपअप। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉपअप सर्च। एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाला जो इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, सो इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको लेयर्स पे टैप करना है। लेयर्स पे टैप करने के बाद यहाँ से स्टिकर में चले जाओ। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका जो भी इफेक्ट होगा पॉपअप वाला जो अभी आपने डाउनलोड किया था उसे ओपन कर देना। ओपन करने के बाद काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, तो इसमें से आपको ये सर्च बार वाला एनिमेशन जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक कर दो। देन यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप सर्च बार में जो भी सर्च करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ वीडियो एडिटिंग। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप इसमें फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर टाइप कर दो। अब ओके पे क्लिक करके यहाँ से तुम्हारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ से आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो काफ़ी कूल एनिमेशन बना है। सो तुम अपनी वीडियोस में काफ़ी टॉपिक्स कवर करते हो या स्पॉन्सर करते हो तो नीचे इस तरह का टाइमर भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने काइन मास्टर को ओपन करके यहाँ पे तीन वीडियो क्लिप्स को जो है ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद ये तीन पॉइंट्स आप मान सकते हो, ये तीन वीडियो क्लिप्स को, एंड बीच वाला पार्ट को हम स्पॉन्सर मान लेते हैं। ठीक है, सो स्पॉन्सर वाले पार्ट में हमें टाइमर ऐड करना है, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले स्टोर में चले जाना है। यहाँ से स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे तुमको स्टिकर वाली कैटेगरी में चले जाना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर में मिल जाएगा टाइमर वाला इफेक्ट, एंड यहाँ पे भी एक है, तो ये प्रीमियम वाला है, फ्री वाला है। तो अगर आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए काइन मास्टर का फ्री में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हम इस वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से लेयर्स में चले जाओ। देन यहाँ से स्टिकर में, स्टिकर में जाने के बाद अपने टाइमर वाले इफेक्ट को ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी बेस्ट लगता है उसे सिलेक्ट कर लो। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक कर दो। बैक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चले जाना। देन यहाँ से जो आपको ये स्टार्ट डिले लिखा हुआ है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, एंड एंड डिले भी बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ठीक है, एंड टेक्स्ट का साइज फुल कर देना है। सो यहाँ पे तुम्हारे इतना काम हो गया, अब बैक कर दो। सो जहाँ से भी तुम्हारा स्पॉन्सर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाओ। देन उसके बाद इस वीडियो क्लिप को वहाँ तक कर दो। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो है इसको एंड तक भी कर देते हैं। सो यह हो गया हमारा स्पॉन्सर। ठीक है, अब इसको करने के बाद यहाँ से इसको कॉर्नर में प्लेस कर देना है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे कॉर्नर में प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम वाइम कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऊपर टाइमर भी चल रहा है, एकदम फिक्स टाइम होगा। देखो जैसे ही वीडियो एंड होगा एकदम 0 सेकंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्टली जो हमारा टाइमर एनिमेशन है वो भी क्रिएट हो चुका है। सो ऐसे नॉर्मल ऐप लोगों काफ़ी ओल्ड स्टाइल एंड बोरिंग लगते हैं, एंड तुम्हें काइन मास्टर में इस तरह के 3D ऐप लोगो भी मिलते हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। सो इन्हें ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे काइन मास्टर में एक बैकग्राउंड को ले लिया है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से चले जाना है स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद यहाँ से स्टिकर वाली कैटेगरी में चले जाओ। देन यहाँ पे सर्च बार में तुम्हें सर्च करना है पफी सोशल। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ पफी सोशल। लिखने के बाद यहाँ से जैसे ही तुम सर्च करोगे तो तुम्हारे जो आइकन वो आ जाएंगे, एंड आइकन को आने के बाद यहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है इस तरीके से। बैक आने के बाद यहाँ से लेयर्स में टैप करना, देन स्टिकर में चले जाओ। देन तुम्हारे आइकन जहाँ भी तुमको दिखते हैं उनको ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करने के बाद जिस भी ऐप का लोगो तुम्हें चाहिए उसे ले लेना है। तो यहाँ से मैं YouTube का ले लेता हूँ, एंड यहाँ से तुम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर देना, एंड यहाँ पे इस तरीके से इसे ऐड कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। सो इस तरीके से किसी भी टॉपिक को हाईलाइट कर सकते हो नीचे टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करके। सो काइन मास्टर में मैंने आप एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे तुम्हें स्टोर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। देन यहाँ से तुम्हें चले जाना है स्टिकर में।
स्टिकर पे जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा सर्च बार। सो उसमें सिंपली सर्च करना है इन्फोग्राफिक, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इन्फोग्राफिक बैनर, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद तुम्हें यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। सो इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आ जाना है तुम्हें बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे लेयर पे टैप करो, देन स्टिकर में। स्टिकर में जाने के बाद जहाँ पे भी तुमको ये अपना बैनर दिखता है उसको सिंपली ऐड कर लेना है। अब इनमें से जो भी बेस्ट लगता है उसे सिंपली तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें जो है आपको अपना टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो दो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ नंबर वन, ठीक है। इस तरीके से नंबर वन ऐड करने के बाद यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके तुम फॉन्ट ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऐड कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। इस वाले को ऐड करने के बाद यहाँ से राइट पे क्लिक कर दूंगा, देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। एंड ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे वाले टेक्स्ट में हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी टॉपिक है हमारा, लाइक वीडियो एडिटिंग लिख देता है। वीडियो एडिटिंग लिखने के बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे तुम्हारा जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। सो मैं इसे तुम्हें एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन क्रिएट हुआ है। अब इसे तुम कॉर्नर में प्लेस कर सकते हो इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे इसे कॉर्नर में प्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसे कॉर्नर में प्लेस कर दिया। अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कूल इफेक्ट है एकदम। सो तुम भी कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट को अपनी वीडियोस में ऐड करते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, एंड उनको इस तरीके का प्रोफेशनल लुक दे सकते हो साइड में इस तरीके का शैडो ऐड करके। सो उसके लिए तुम्हें कोई भी फोटो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ये पिक्सल लैब है। फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी जो भी एलिमेंट है स्क्रीनशॉट है उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। देन तुम्हें यहाँ से चले जाना है फ्रॉम गैलरी में। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद कोई भी एलिमेंट ले सकते हो तुम। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का थंबनेल ले लेता हूँ। थंबनेल को लेने के बाद इसे मिडल में कर लेना। मिडल में करने के बाद यहाँ से तुम्हें तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है नीचे। उस पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो नीचे स्क्रॉल करते रहना। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शेडो। सो इसके सिंपली इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद यहाँ से तुम्हें ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई को छेड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कर देना है इसे 10%, ठीक है। 10% यहाँ पे मैं दोनों को कर देता हूँ फटाफट से। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो थंबनेल में साइड में शेडो आ चुका है। फिर उसके बाद तुम्हें फोर्थ वाले ऑप्शन पे टैप करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दो। देन उसके बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देन यहाँ से अल्ट्रा में सिलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने काइनमास्टर में एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से तुम्हें क्लिक करना है लेयर में। लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ से मीडिया में चले जाओ। मीडिया में जाने के बाद जो तुमने पिक्सल लैब में जो थंबनेल सेव किया था उसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से तुम्हें कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से इसका साइज़ तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साइज़ को बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से इसे सेंटर में एडजस्ट कर लेना। तो अब देखो ये कितना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है पहले के मुकाबले। सो इस टाइप के विगिनेट इफेक्ट को तुमको अलग से डाउनलोड करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काइनमास्टर में तुमको इनबिल्ड इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे विगिनेट इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने काइनमास्टर में एक वीडियो क्लिप को इम्पोर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टोर पे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद तुम्हें चले जाना स्टिकर में। स्टिकर में जाने के बाद यहाँ पे तुमको ऊपर सर्च बार देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है विंटेज, ठीक है। विंटेज सर्च करना है, विंटेज फिल्म। इस तरीके से सर्च करने के बाद यहाँ पे तुम्हें ऊपर में ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से तुम्हें आ जाना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ से लेयर्स में टैप करो, स्टिकर में चले जाओ। देन यहाँ से तुम्हें विंटेज फिल्म वाले इफेक्ट मिल जाएंगे। अब इनमें से तुमको जो भी अप्लाई करना है वो तुम कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सेकंड वाले को जो है ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से तुम्हें बैक करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। एंड यहाँ से तुम इसको अपने वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से कर देना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो विंटेज इफेक्ट है वो लग चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, एंड ये स्क्रैच इफेक्ट के साथ जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, ठीक है। सो इस तरीके के मोशन बैकग्राउंड को तुम्हें अलग से डाउनलोड करना होता था, बट काइनमास्टर में तुम्हें काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मिलते हैं जिनको यूज़ करने के लिए तुम्हें यहाँ पे स्टोर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। देन यहाँ पे तुम्हें साइड में कैटेगरीज मिलती है, सो नीचे स्क्रॉल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हें वीडियो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सो उस पर टैप कर देना। उस पर टैप करने के बाद यहाँ से डिज़ाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन तुम्हें काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, एंड इसके एक के अंदर जो आपको चार बैकग्राउंड मिलेंगे, तीन से चार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड ये ऑलरेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे बैक आ जाना है।
बैक आने के बाद यहाँ से तुम्हें चले जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से वीडियो असिस्ट में चले जाना। एंड यहाँ पे तुम्हारे जो बैकग्राउंड है वो आ चुके हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो 5 बैकग्राउंड मुझे एक के अंदर मिले, ठीक है। सो अब इनमें से जो भी तुम्हें बैकग्राउंड यूज़ करना है उसको सिंपली ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ से तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया जो बैकग्राउंड है हमें मिला है। सो कैसी लगी एडिटिंग टेक्निक्स कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड जिन लोगों ने भी वीडियो को पूरा देखा है उनके लिए एक गिफ्ट है, और वो है एडिटिंग पैक, जो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड की फ्रेमिंग का यूज़ करके भी वीडियो कूल लगती है। सो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। बाय।